जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं क्रिस्टल के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एक करके बताया हुआ है कि रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, और आज का जो टॉपिक है वो अपना क्रिस्टल के बारे में है। कि जैसे आज की क्लास जो होगी, शायद मुझे लगता है समथिंग सातवीं क्लास होगी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेरे पास फीडबैक आया हुआ है कि उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि सर देखिए, मैंने नोट किया हुआ है और मुझे व्हाट्सअप भी किया हुआ है इस नंबर पर, 6391711711 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसी समस्या आती तो मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं कि पूछ रहे हैं कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, उसका किस तरीके से यूज होगा, ये सारी बातें मुझसे शेयर कर रहे हैं। मुझे भी खुशी मिलती है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अगर मैं कहीं ना कहीं मदद कर रहा हूँ तो उनको वो हेल्प जेन्युइनली मिल रही है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल क्या रहता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल जनरेट करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल जनरेट करता है। इसका काम क्या रहता है? मोबाइल फोन में सिग्नल जनरेट करना, इसका काम होता है फोन के अंदर सिग्नल को जनरेट करना, मतलब सिग्नल को पैदा करना। तो ये क्या काम करता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल को जनरेट करता है, मतलब फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे रियल शेप। रियल शेप का मतलब होता है बनावट। इसका डिजाइन कैसा होता है? सबसे पहली बात क्या होता है? क्रिस्टल, एक तो क्रिस्टल आपका स्टील बॉडी में पाया जाता है। इसकी बॉडी क्या होती है? स्टील बॉडी होती है। क्रिस्टल में लिखा होता है 26.6 MHz, तो मतलब 26.6 MHz का क्रिस्टल है। तो ये क्रिस्टल में लिखा होता है, और इस क्रिस्टल का जो उपयोग रहता है स्टील बॉडी वाले का, इसका मोस्टली नेटवर्क सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ख़राब होने से मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। सैमसंग का जो छोटे मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है कि आप क्या करिए, क्रिस्टल को निकालिए, निकाल कर दोबारा लगा दीजिए, आपके फ़ोन में नेटवर्क आ देते हैं। तो ये क्रिस्टल ख़राब हो जाता है तो नेटवर्क की समस्या आती है, पहला क्रिस्टल। उसके बाद दूसरा क्रिस्टल होता है जो ब्लैक कलर का लंबा सा होता है। ये ब्लैक कलर का होता है, इसका नाम होता है RTC। RTC का पूरा नाम होता है रियल टाइम क्लॉक। RTC का पूरा नाम क्या हो रहता है? रियल टाइम क्लॉक। तो ये कैसा रहता है? ब्लैक कलर का लंबा सा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? RTC बोलते हैं। एक तो पहला होता है जो स्टील बॉडी में पाया जाता है, दूसरा क्या रहता है? RTC क्रिस्टल जो ब्लैक कलर का लंबा सा होता है, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर क्रिस्टल। क्या होता है? ऑसिलेटर क्रिस्टल। और ये दूसरा वाला होता है जो ब्लैक कलर वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं RTC। RTC का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। ये ब्लैक कलर क्रिस्टल होता है, ये ज़्यादातर मोस्टली आपकी पावर IC के पास में लगा होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका हैंडसेट डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। पहले सारे लोग स्टूडेंट ये अपने सब चीज़ों को अच्छे से नोट्स कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये जब तक आपको स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक आप कभी रिपेयरिंग कर ही नहीं सकते। आज ही मेरे पास सुबह एक मॉर्निंग में मोबाइल फ़ोन आया था, मात्र उसका एक कैपेसिटर शॉर्ट था, पूरा फ़ोन डेड था। कैपेसिटर हटा दिया, पूरा फ़ोन चालू हो गया। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ एक छोटे कंपोनेंट्स की वजह से। तो जब तक हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होगी तो रिपेयरिंग करने में हमको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। लोग क्या काम करते हैं कि एक छोटा सा कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, शॉर्टिंग नहीं मिली, उन्होंने पूरे पावर IC को उतार दिया, पावर IC को हीट कर दिया, पावर IC को रिवॉल्व कर दिया, फिर भी नहीं ठीक हुआ। क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि उनको सर्किट लेवल के कंपोनेंट लेवल की नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ वो छोटा मोटा बेसिक या यूट्यूब से सिर्फ क्या IC को चेंज करना, यही सारा एक काम पकड़ रखा है कि IC को बदल दिया, फ़ोन ठीक हो गया। लेकिन ऐसा श्योर नहीं है। जब तक आप सर्किट और कंपोनेंट को ओके नहीं करेंगे तब तक आप IC को न टच करिए। अगर IC टच कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। इससे हो सकता है आपका तुक्का बैठ जाए, कोई एक पावर IC बदल दिया, आपका एक फ़ोन चालू हो गया। लेकिन ये है कि उस तुक्के के चक्कर में 10 जो ख़राब होंगे उनको कौन देखेगा? तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में और सर्किट के बारे में अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और सर्किट के बारे में नॉलेज आपको तभी होगी जब आपको कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि कंपोनेंट्स से ही मिल करके सर्किट डिजाइन होता है। अपने मन से सर्किट नहीं बन गया कि हवा में सर्किट बन गया।
अब बात करते हैं इसका डिनोटिंग लेटर। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है क्रिस्टल का बी होता है। सिंबल क्रिस्टल का जो सिंबल होता है, इस तरीके के क्रिस्टल का सिंबल होता है, कैपिस्टल की तरह जैसा होता है, बीच में एक डॉट लगा होता है, ये क्रिस्टल का क्या होता है, इसे सिंबल होता है। मैंने इसका वर्ग बताया था, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। अब बात करेंगे टेस्टिंग की। क्रिस्टल की हम नॉर्मल मल्टीमीटर से कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टल को हम साधारण मल्टीमीटर से कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपको क्रिस्टल को चेक करना है तो इसके लिए एक DSO मल्टीमीटर आता है, वो 12,000 20,000 22,000 रुपये तक का DSO मल्टीमीटर आता है, जो क्रिस्टल को टेस्ट करने का काम करता है। लेकिन अब इस नॉर्मल मल्टीमीटर से क्रिस्टल को टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्रिस्टल का कोई टेस्टिंग नहीं होता। अगर वो ख़राब हो जाता है तो हम लोग क्या काम करते हैं कि उसे ऐसे ही उसे मतलब बदल देते हैं, या उसे निकाल करके दोबारा लगा देते हैं, काम करने लगता है, या उसे दूसरे बोर्ड से उतार करके चेंज कर देते हैं। लेकिन जब आप क्रिस्टल को चेंज करेंगे तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है उसी फ्रीक्वेंसी को देख करके ही आप लगाएंगे, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन में काम कर सके, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब आइए देखिए, मैं बोर्ड में इसको पहचानना सिखाता हूँ कि बोर्ड में इसको पहचानें कैसे। देखिए मल्टीमीटर देना सर, मल्टीमीटर दो बोर्ड और मुझे दे दीजिए। जैसे देखिए ये हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड में ये छोटा सा पार्ट्स लगा है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल। ऊपर से दिखाइए सर को, बिल्कुल ऐसे ही जी। ये आपको जो लगा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल बोलेंगे। ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है, सॉरी स्टील बॉडी में लगा हुआ है, ये ब्लैक शेप में भी आता है, ये आपका क्रिस्टल, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लगा हुआ है ये भी आपका क्रिस्टल है, ये लगा हुआ इसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल बोलेंगे। ये आपका जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है इसे हम लोग बोलेंगे RTC क्रिस्टल। क्या बोलेंगे? RTC क्रिस्टल। ये जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे? RTC क्रिस्टल। तो अपने क्रिस्टल दो तरीके के होते हैं, ये वाला क्रिस्टल ख़राब हो जाएगा तो आपका सेट डेड हो जाएगा, ये समस्या आएगी। ये क्रिस्टल ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, कि आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएंगे। जैसे आप जियो का फ़ोन देखेंगे तो उसके अंदर बोर्ड में अगर आप गौर से देखेंगे तो अंदर से ये लगा हुआ है थोड़ा सा स्टील टाइप में, ये तो ये हमारा क्या रहता है? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेक नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आज आपको बोर्ड में बताया कि क्रिस्टल के बारे में किस तरीके से क्रिस्टल को चेक किया जाता है या उसे कैसे हम काम करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको सीखी, एक एक करके आपको समझाया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो भी सारी चीज़ें होती है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित, एक एक करके आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये अपना जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ईटेक नाम से, कानपुर में पड़ता है। कानपुर के अंदर सागर मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन के सारे स्पेयर पार्ट, सारा सामान या सारा एसेसरीज या सारे मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन से संबंधित लेटेस्ट टूल, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, OCA मशीनें हो गई, हॉटगन मशीनें हो गई, या सेपरेटर्स हो गए, जो भी सारे टूल्स आते हैं वो सारा A से लेकर Z तक सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो आप बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से सीखने वाले आते हैं, वो अपना यहाँ पर रह करके सीख सकते हैं। पूरा 45 दिन तक का समथिंग समय लगता है, 45 दिन का पूरा प्रोग्राम रहता है, 45 दिन के अंदर पूरा कम्प्लीटली सीख जाते हैं। टोटल जो उनका क्लासेस चलता है समथिंग 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का क्लासेस चलता है, जैसे 10 बजे से क्लास शुरू कर दिया, शाम को 6 बजे तक क्लास करते रहते हैं और पूरा कम्प्लीटली सीख जाते हैं। ये जो पूरी थर्ड स्टोर की पूरी बिल्डिंग बनी है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फ्लोर सिखाने के लिए बना हुआ है और उसके बाद फोर्थ फ्लोर में बच्चों के रहने के लिए बना हुआ है, कि आराम से ऊपर ही रहते हैं, खाना पीना खाया और अपना नीचे आकर के अपना क्लास स्टार्ट कर दिया। और मार्केट है, मार्केट में यहाँ पर जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं ठीक करने के लिए, तो स्टूडेंट्स को मिलता है, वो अपने फ़ोन को बनाते हैं। जो जिस स्टूडेंट जिस लेवल का हो जाता है उसको उसी लेवल का फ़ोन दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई आया उसको चार्जिंग पिन लगाना आ गया, तो अगर कोई ऐसा फ़ोन आता है तो उसको दे दिया जाता है, तो वो फ़ोन के अंदर चार्जिंग पिन डालता है, ठीक करके देता है, उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस महसूस होता है। अगर वो IC लेवल तक पहुँच जाता है तो उसके अंदर पावर IC बदलनी, MMC IC को प्रोग्राम करना, MMC IC को रिपेयर करना, CPU को रिपेयर करना है, तो उस लेवल तक का उसे काम मिलता है। तो इस तरीके से एक एक करके सारी प्रॉब्लम आपको सिखाई जाती हैं। जैसा हम आपको सारे स्टूडेंट सब चीज़ें हम आपको एक एक करके सिखा रहे हैं, आप लोग समझिए,
जो मैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ उस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल जाए मिले और वो सीखें और आगे बढ़ें। उसके बाद लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे हेल्प लीजिए, पूछिए, लेकिन ये सारी चीज़ों का आप एक नोट्स जरूर बनाइए ताकि उस नोट्स को मुझे भी भेजिए ताकि मैं भी समझ सकूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। वो अपना नंबर कौन सा रहेगा, 6391711711, इस नंबर पर आप मुझे भेजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच जाए और उन लोगों को समझ में आए। थैंक यू दोस्तों।